इंदौर को लेकर देश भर में सफाई की चर्चा है। लगातार पांचवी बार सफाई के क्षेत्र में दर्जा मिलने के चलते कई शहर के अधिकारी व जनप्रतिनिधि इससे सीखना चाहते हैं। बुधवार सुबह अरुणाचल प्रदेश इटनागर के महापौर, पार्षद व अधिकारियों का दल इंदौर आया। उन्होंने सुबह कबीरखेड़ी ट्रेंचिंग ग्राउंड का दौरा किया और यहाँ अधिकारियों से बात की। स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन निगम की कार्य प्रणाली देखने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का 30 सदस्यीय दल, जिसमें ईटानगर के महापौर तेम फसांगो, उपमहापौर बिरी बसांग, चीफ काउंसलर, डिप्टी काउंसलर, काउंसलर, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन सहित पार्षदों सहित सुबह 8 बजे सभी इंदौर पहुंचे। यहां से उन्हें अलग अलग गाड़ियों से कबीरखेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट ले जाया गया। यहां कार्यपालन यंत्री अनूप गोयल, अधीक्षण यंत्री आरएस देवड़ा ने शहर से निकलने वाले सीवरेज का किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके बारे में बताया। वहीं कई मशीनों के बारे में तेम फसांगो और अधिकारियों ने जाना कि दल यहां से स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंदौर के स्वच्छता अभियान की जानकारी व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी लेगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से आए दल द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में ड्राई वेस्ट रिकवरी प्लांट, कंपोस्ट प्लांट के साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी समझेगा। जी, जैसे कि ऑनरेबल मैडम ने आपको बता दिया, हम हिंदुस्तान में सबसे पहले जहाँ सूर्यदेव उदय होता है, मैं उस प्रदेश से आता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का नाम से आप सबको मालूम है। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश है, 130-135 करोड़ आबादी का देश है। उसमें इंदौर एक ऐसे सिटी है, वो पहला प्रथम में आना, वो अपना आप में वही एक कोई आपका इंट्रोडक्शन का परिचय करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इंदौर आज उस दौर पे और उस स्थान पे खड़ा है। तो हम, जैसे मैंने मीटिंग में बताया, हम सारा अरुणाचल की जनजाति की ओर से, सारा प्रदेश की ओर से, खास करके मैडम, सुना है अभी तो MLA है, लेकिन ये दौर में, इस जन भागीदारी में, ये सारा सिस्टम को संभालने के लिए ऑलरेडी वो कॉरपोरेटर बन के शायद मेयर थे, तो सारा श्रेय तो मैडम को जाता है और यहाँ आप सब मीडिया बंधु को भी जाता है और यहाँ के आबादी को भी जाता है और सारा मेरा कॉरपोरेटर बंधु लोग को जाता है। तो उस हिसाब से, उस नज़रिए से हम देखा जाए तो हम सारा हिंदुस्तान मोदी जी का साथ चल के हम सब कोशिश ये करेंगे कि हम इंदौर बन नहीं पाने से भी इंदौर जैसे चलने के लिए, इसलिए इतना दूर से मैडम को हम लोगों ने क्षमा चाहेगा कष्ट किया यहाँ आने के लिए। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब किसी दूसरे राज्य से कोई दल इंदौर आया हो। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।